students. Welcome to GK Army online classes for nursery. बच्चों आज हम आपका maths पढ़ेंगे. Maths में हम लोग 6 to 10 counting सीखेंगे. Counting मतलब पता है ना आपको बेटा? Counting का मतलब होता है गिनती. Counting का मतलब होता है गिनती. पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था बताओ? मैथ्स में पिछली क्लास में हमने 1 to 5 सीखा था. 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक सीखा था हमने पिछली क्लास में. अभी हम लोग 5 के बाद क्या होता है ये सीखें, ठीक है? 5 के बाद होता है 6. 5 के बाद क्या होता है 6. दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, 5 के बाद होता है 6. बोलो 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ठीक है, 6 के बाद होगा 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7 के बाद होता है बेटा 8. बोलो
बनाएंगे, चलो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये वन नाइन बॉल। चलो दोबारा काउंटिंग करेंगे कि हमने ज्यादा या कम बॉल तो नहीं बनाए, प्रॉपर नाइन बॉल ही हमको बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ ठीक बॉल बनाए हैं हमने, पूरे नाइन बॉल बनाए हैं। अभी हम लोग टेन बॉल बनाएंगे, कितने बॉल बनाएंगे? टेन। तो चलो मेरे साथ काउंटिंग करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। काउंटिंग करें, हमने सही बॉल बनाए हैं या गलत बॉल बनाए हैं? हमको टेन बॉल बनाने हैं, तो चलो काउंटिंग करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो बच्चों आज का होमवर्क ये है, आप लोग 6 से लेके 10 तक बार बार पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। जिस दिन जो भी पढ़ाया जाता है उस दिन उस चीज को, उस चैप्टर को, उस लेसन को याद कर लेने पर हमको ज्यादा समझ में आकर जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जिस दिन जो भी पढ़ाया जाता है